नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मुकेश हेल्प में स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए सबसे ज़रूरी जानकारी लेके आया हूँ। बहुत सारे लोगों के यही सवाल थे कि सावन में होने वाली कांवड़ यात्रा होगी या नहीं, तो मैं आपको सावन में होने वाली कांवड़ यात्रा की पूरी जानकारी दूंगा, क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा को लेकर एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। तो बने रहें हमारे साथ और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। इससे पहले शुरू करें, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इसी तरह हरिद्वार और इसी केस की जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। आप हमें इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी आपको छोटी मोटी जानकारी मिलती रहेगी। और मेरी इंस्टाग्राम आईडी है मुकेश हेल्प। दोस्तों, हरिद्वार में सावन में होने वाली कांवड़ यात्रा शिव भक्तों के लिए एक विशेष पर्व होता है। हर साल लाखों की संख्या में कांवड़िए हरिद्वार पहुँचते हैं और हर की पौड़ी से गंगा जल भरकर अपने अपने पसंद के मंदिरों में जाकर भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रदेश सरकार ने इस साल भी सावन में होने वाली कांवड़ यात्रा को स्थगित कर दिया है। मुख्य सचिव ओम प्रकाश के अनुसार इस संबंध में एक दो दिन में आदेश जारी कर दिए जाएंगे। दोस्तों, मैं आपको इस खबर का एक प्रूफ भी दिखाऊंगा ताकि आपको इस खबर को लेकर किसी तरह का कोई भी भ्रम ना रहे, और पक्की खबर हो जाएगी तो आपको कम से कम क्लियर हो जाएगा कि यात्रा स्थगित हो गई है। उत्तराखंड में पिछले वर्ष भी कोरोना संक्रमण के मद्देनज़र कांवड़ यात्रा स्थगित करनी पड़ी थी और इस वर्ष भी यात्रा को लेकर बहुत सारे लोगों की उम्मीद थी कि इस साल यात्रा कर पाएंगे, लेकिन इस बार भी यात्रा कैंसिल कर दी गई है। हालांकि बहुत सारे शिव भक्तों को दुख जरूर हुआ होगा, लेकिन प्रदेश सरकार किसी भी तरह से कोई भी खतरा मोल नहीं लेना चाहती कि कोरोना के केस में फिर से बढ़ने लगे। अब आप यहां देख सकते हैं, देश के प्रमुख न्यूज़पेपर में दैनिक जागरण में इस बात को प्रमुखता से छापा है। दोस्तों, एक खबर और भी है, चारधाम यात्रा को लेकर एसओपी तैयार कर ली गई है। जल्द ही एसओपी को सार्वजनिक किया जाएगा, क्योंकि 1 जुलाई से चारधाम यात्रा शुरू होगी। 1 जुलाई से सिर्फ उत्तराखंड के 3 जिलों के लोग ही यात्रा पर जा सकेंगे। चमौली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जिले के लोग अपने जिले के धाम पर जा सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये जरूरी जानकारी मिल गई होगी, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जानकारी सभी शिव भक्तों को, सभी कांवड़ियों को ये जानकारी मिल सके। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, आप सभी अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय गंगे माता।